तो मतलब यार आप में से काफी लोगों की ये ख्वाहिश है कि भाई अपनी बाइक के अंदर केरोसिन डाल के देखो और फिर देखो कि वो जो बाइक है वो इससे चलती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो चलो यार ये रही हमारे पास बाइक, इसके अंदर डाल के देखते हैं मिट्टी का तेल, केरोसिन यानी कि घास तेल, और फिर देखते हैं कि हमारी बाइक उससे चल पाती है या फिर नहीं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके पेट्रोल टैंक से सारा पेट्रोल बाहर निकाल दिया है और इसके साथ साथ हमने इसका जो कार्बोरेटर होता है उसके अंदर भी जो पेट्रोल होता है उसे भी निकाल दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, देख लिया। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा केरोसिन, देखा ऐसा ही होता है ना, केरोसिन यही है। ऑलराइट गाइस, तो चलो इसे डालते हैं इस बाइक के टैंक के अंदर। ये पूरा 1 लीटर केरोसिन है, चलो इसे पूरे को ही इसके अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब करते हैं इसे स्टार्ट। अक्सर ऐसा होता है यार कि जब सारा पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर हम इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें सिंपली बाइक को टेढ़ा करना होता है, जिससे कि कार्बोरेटर के अंदर जो पेट्रोल होता है वो चला जाता है। तो चलो इसको टेढ़ा करते हैं जिससे कि जो केरोसिन है वो कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा। हमारी जो बाइक है वो केरोसिन से स्टार्ट हुई, सच में। मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि इसके कार्बोरेटर के अंदर भी जरा सा तेल नहीं था, लेकिन पीछे जो धुआं निकला वो भी सच में देखने लायक था। आप देख सकते हैं कि हमने जो केरोसिन डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ये साली स्टार्ट नहीं हो रही। किक ट्राई करते हैं, एक बार तो हो गई थी यार। इसके अंदर से जो स्मेल आ रही है ना, सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मंगल ग्रह की स्मेल हो, सच में काफी अजीब स्मेल आ रही है। और हमारा जो इंजन है वो काफी ज्यादा हीट हो चुका है, लेकिन कमाल की बात ये है कि हमने अभी अभी बाइक को केरोसिन यानी कि घास तेल से चलाया है। दिक्कत ये आ रही है कि जिसका जो ये रेस एक्सीलेटर है ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ये मतलब कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, इसलिए मुझे एक्सीलेटर को पूरा खींच के रखना पड़ रहा है, लेकिन ये चल रही है। तो चलो एक बार फिर से इसे स्टार्ट करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार केरोसिन से गाड़ी चल तो रही है लेकिन इसकी बुरी तरीके से वाट लग चुकी है, मतलब यार नीचे जो साइलेंसर होता है वहां से
भयंकर धुआं निकल रहा है गाइस। आप देख सकते हैं कि हमने गाड़ी बंद कर दी है, फिर भी कितना ज्यादा स्मोक इस गाड़ी के अंदर से निकल रहा है, देखिए। ओह माय गॉड, ये सच में यार इसकी स्मेल काफी ज्यादा बुरी है। ऑलराइट गाइस, तो यार लास्ट के अंदर यही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, केरोसिन से भी गाड़ी चल सकती है, बशर्ते आपको गाड़ी की परवाह ना हो। तो गाइस यार चल तो सकती है, लेकिन प्लीज यार आप पेट्रोल गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही डालिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।